Vai peso. Vedi che. साफ तो ऐसे कर रहे हो, साफ तो ऐसे दिखेगा तुम्हें, वैसे भी कुछ नहीं उंगलियां दिखाऊंगा तो साइड मत दिखा कर। क्यों नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, देखनी पड़ेगी भाई, तुम्हारी गलती। अभी नहीं जा रहा है, अभी अभी तक एक और क्या पा रही सही नहीं रख लेंगे और क्या भाई, हमें चाहिए फाइनल में लव। हाँ तो यही पहने करनी होगी ना, लव देना एक और क्या पा रही सही नहीं। अरे इसी में करेंगे लाइव लो। अरे नहीं यार, आलू भाई तो पूछ रहा है। आलू भाई क्या होता है? आलू से मना कर। अरे मालिक लोग है, पूछ लो ऐसे ही रहता है। आपने क्या कहा? मालिक लोग है। मालिक नहीं भाई, एक बिस्किट ले लो। हाई डेन का मैं मेरी क्या उठा ली तो भी तू भी अपनी क्या कैमरे वाली रख दे। आओ जाओ वो रिजा उठाओ। राम जी से कहते हैं अरे इनको डाल दो, इजी में करते हैं पहले की तो अच्छी भी लगेगी। सही है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ रहने से ध्यान लग गया, यही तो सुनना। एक और सही आते, सिर्फ मुझे दे दो। एक और जाना भैया, ना भाई ना, भैया ना, पहले बोलने कराओ मेरे। सही बात है, सही बात है, जो कराओ कराओ। क्या बोल रहे हो? बोल दो उनसे आगे पेट में। कहाँ चले? अभी हाँ एक चलो
जो कि निकला मनीष भाटी के बल्ले से। और ये बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच सिंपल, बहुत ही लंबी कैच है, जितनी तारीफ की जाए इस कैच की उतनी कम। और बस गेंद स्पिन हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी मैं कहूंगा यहाँ पर नितिन की, बहुत ही बेहतरीन कमबैक। और जितनी तारीफ की जाए इस कैच की उतनी कम। फ्लाई करता हुआ कैच, अभी तेज गति से निकला था बॉल पड़कर, बिना स्पिनिश डिलीवरी थी, पैर निकालकर हल्के हाथों से तेज ओपन करना चाहते थे। बाहरी किनारा लेकर गेंद जो किया पहली स्लिप पे, और एक सुंदर कैच देखने को मिला हमें। और कार्बन कमाल कैच ऑफ द मैच में अपने आप को नॉमिनेट करते हुए यहाँ पर धर्मेंद्र, अगर जितेंद्र है तो हाथ उठा दे, माफ कीजिए धर्मेंद्र है तो हाथ उठा दे, थैंक यू। तो एक बहुत ही शानदार कैच धर्मेंद्र का, फर्स्ट लुक पे एक ब्रिलियंट एफर्ट आकर, ये बड़े बड़े नाम बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद, और इस तरह की फील्डिंग आपको लिफ्ट करती है एक कैच, और आप जबरदस्त तरीके से मैच में वापसी करते हैं। और वही देखने को मिला धर्मेंद्र ने, एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ एसआर वर्सेस रॉयल हॉक्स। रॉयल हॉक्स ने पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी 22 नंबर की जर्सी में नितिन, बढ़िया गेंद पढ़कर तेज गति से अंदर की तरफ आया और बाहरी किनारा लेकर गेंद गया था स्लिप रीजन में, और बहुत ही बेहतरीन कैच। प्लेयर तक अब बल्लेबाजी की कमान संभालने गए हैं तरुण, वन डाउन पर काफी दारोमदार रहेगा उनके कंधों पर आज। अंदरूनी किनारा लेकर खेल किया तत्कालों में, और एक और सफलता, हल्का एयर में छोड़ा हुआ गेंद था, काफी तेज गति से जाकर लेते हैं गेंद को, पैर भी फंसी, कमर भी फंसी नहीं थी और पैर भी पूरा खींचा नहीं था, खड़े खड़े उस ड्राइव को खेलना चाहते थे तरुण, थोड़ा सा स्लोअर था एयर में, आगे पैर निकाल कर खेलते ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन थोड़ा हार्ड हिट करने चले गए, खड़े खड़े उस गेंद को मारने चले गए। और ये पहले ही ओवर में दूसरी सफलता टीम एएसआर के लिए। कौन है बैट्समैन? और अगले बल्लेबाज काशल, कल एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी काशल ने यहां पर तीन नंबर की जर्सी में आज, तो थोड़ा सा यहां से संभल कर और स्कोर बोर्ड को टिक करना होगा, ज्यादा बड़े शॉट ना लगाना चाहिए, ठीक करेगा क्योंकि दो विकेट ऑलरेडी गवा चुकी है टीम रॉयल हॉक्स, तो यहां से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। चाय पहुंचवा दे, अब भटूरे नहीं करते। ये हैट्रिक है ना, और ये हैट्रिक बॉल एक बहुत
बहुत ही अच्छी गेंद ऊपर की तरफ फेंकी हुई गेंद और बहुत ही अच्छा ड्राइव वहां पर हासिल था जी हाँ, झुककर बिल्कुल पीछे आए गेंद के और सीधे बल्ले से उसे खेल दिया मिड ऑफ की तरफ। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद चार स्कोर हुआ रॉयल हॉक्स का 4-2 के नुकसान पर। अरे इसने वो दिया नहीं दिया ऊपर का अडैप्टर है अडैप्टर ऊपर का इसको अडैप्टर तो गेंदबाजी कमान संभालने आए हैं मनोज यादव सामना करेंगे अमित गेंद गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज और बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी भी चल रही है अमित की और ये सामने की तरफ फ्लिक करना चाहते हैं लेग साइड में उसे और ये आखिरी गेंद बाहर गाड़ी के ऊपर भी पड़कर के तेजी के साथ बाहर की तरफ निकला और कट करना चाहते थे उसे ऑप्शन के बाहर लेकिन शायद उतनी जिद भी नहीं गेंद में लेकिन बात के बाद बहुत ही बढ़िया कैचेस वहां पर पकड़े धर्मिंदर ने जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन के बाहर गेंदा उसे तीन कहीं उसे छोड़ सकते थे कासल क्योंकि तेज गति से गेंद आया था उनके पास और बल्ले का फेस जो था उन्होंने वो बंद नहीं किया तो एक और सफलता टीम बल्लेबाजी की कमान संभाले गए हैं आदिल जबरदस्त दो गेंदें फेंकी नितिन ने दोनों ही फर्स्ट लेग पे बहुत ही तेजी के साथ प्लाई किए कैच लेकिन बहुत ही बढ़िया हाथ गेंद के पीछे और गेंद की झोली में विकेट तो ठीक ही चल रहे हैं चार
बच्चा का जितनी बल्लेबाजी हुई है उसने जो भी रन बने हैं वो बहुत ही अच्छे बने हैं, जो चौके रखे बने अभी तक सिंगल रन नहीं बने। तीनों शॉट एक के बाद एक बहुत ही लाजवाब, पहला मिड विकेट की तरफ मनीष भाटी ने फ्लिक किया था, दूसरा पुल किया था स्कोर लेग की दिशा में अमित ने और तीसरा कवर के ऊपर आदिल को, तो आदिल एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। ऊपर का गेंद सामने की तरफ से दे मारा है का डाइविंग एफर्ट मारकर उस रन को कंप्लीट किया और तीन ओवर जो कि पॉइंट का खिलाड़ी जो कि 30 के दायरे में दाखिल हुआ था, 30 का दायरा ही हमारा था। और एक बार अच्छा गेंद पड़कर तेज गति के साथ अंदर की तरफ आया था और चारों का निश्चित वहां बैट्समैन भाई है भाई और अंपायर का इशारा भाई। और बहुत ही ऊंचा शॉट हल्के आते से फेस हो गया उस गेंद पर और काफी महंगा ओवर काफी ज्यादा ओवर जो मनोज का पहले ओवर में अच्छे खिलाने में गेंदबाजी की थोड़ा थोड़ा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और इस ओवर में 3 चौके कर दिए मनोज को, तो 12 रन का ये ओवर और अब थोड़ी सी लय में आ चुकी है टीम रॉयल हॉक्स। पहले 3 ओवर में 3 विकेट जरूर खो दिए थे रॉयल हॉक्स ने, लेकिन अब थोड़ी सी लय में दिखती हुई क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब पिच के पेस को और अगले ओवर डालते हुए लेकिन पारी का चौथा माफ कीजिए 5वां और अपने स्पेल का 3रा ओवर लेकर पावर प्ले के अंदर आते हुए अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी करी है उन्होंने, 2 विकेट दिलवा चुके हैं अपनी टीम को, माफ कीजिए 3 विकेट और एक बढ़िया स्वीप शॉट वहां पर आदिल का हो सकता है वहां पर, लेकिन हाँ एक रन के लिए अगर आप यहां से विकेट लेते हैं तो अपने लिए ही खतरा पैदा कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके 3 विकेट रन हुए वापस आ चुके हैं। पावर प्ले का समय चलता हुआ और एक बढ़िया रोमांचक मैच हमारे बीच में, तो कहीं से भी रॉयल हॉक्स चाहेगी नहीं कि यहाँ पे रन आउट के रूप में कोई विकेट दिया जाए। एक और अच्छा गेंद, हल्का सा इनसाइड एज और बॉल लगा पैड्स पर, बढ़िया गेंदबाजी चलते हुए नितिन से, अच्छी पेस पे गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छा गेंद
हल्का सा फेस खोला बल्ले का और जीत गया पॉइंट की दिशा में। ऊपर का गेंद मिड विकेट की तरफ से देखे मारा है, अच्छा कदमों का प्रयोग वहां पर, आगे निकलकर मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड खेलना चाहते थे जो कि उनका फेवरेट रीजन भी है। काफी शॉट्स मैंने उनको मारते हुए देखा मिड विकेट पर अमित को, और शॉट में अगर उनके गेंद आ जाए तो कभी चूकते नहीं है मिड विकेट में मारने से, तो ही प्रयास था कदमों का अच्छा प्रयोग करके निकलकर मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे उस गेंद को। छोटा गेंद हल्के हाथों से उसे खेला स्क्वायर रीजन में और ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 34 अब स्कोर बढ़कर हो गया रॉयल हॉक्स का 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मैंने मिलती है अडॉप्टर का था दीजिए यार, मैंने अडॉप्टर इसका अच्छा गेंद बिल्कुल ठिकाने पर नहीं, अच्छी गेंद अभी तक दोनों गेंदें दोनों ठिकाने पर और दोनों ही अपने स्ट्रेंथ पे अटैकिंग हुई कर स्विंग कराने का प्रयास वहां पे अमित नागर का कि नया गेंद है तो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि शुरू के शुरुआती ओवर में जो किसी स्विंग होने की जो प्रयास रहता है किसी भी गेंदबाज का वही करते हुए अमित नागर। और अच्छा गेंद और ये भी बिल्कुल ऊपर फेंका हुआ गेंद और बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से उसे पैर निकाल कर सीधे हाथों से डिफेंस किया अमित ने। अभी तक 3 गेंदें फेंकी हुई, तीनों बिल्कुल ठिकाने पर, बिल्कुल स्टंप्स टू स्टंप्स यू मिस आई हिट स्ट्रेटजी के साथ गेंदबाजी करते हुए अमित नागर। और जानते हैं अमित यहां से कि वो अगर 14 या 15 ओवर तक यहाँ खड़े हो जाते हैं तो रॉयल हॉक्स को एक अच्छा टारगेट सेट करने में काफी मदद करेंगे। मिड विकेट की तरफ और गेंद गया सीधे लेयर के बाद, बहुत ही बढ़िया गेंद। जी हाँ, शायद पहले से ही भाप लिया था अमित ने वहां पे, क्योंकि 3 गेंदें तीनों बिल्कुल ऊपर और इस बार बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका हुआ गेंद तो बढ़िया एक कंपटीशन चलता हुआ गेंदबाज और बल्लेबाज में। एक और बेहतरीन शॉट लेकिन गेंद गया सीधा कवर की दिशा में, हालांकि शॉट बहुत ही बेहतरीन था अगर उस पर हल्का सा भी गैप पे खेला जाता तो निश्चित रूप से परचेज मिलता आपको, तो आउटफील्ड इस मैदान का इतना तेज के अगर गैप पे खेल देते हैं तो फिर परचेज मिलता आपको अपनी शॉट्स का। और 6 ओवर की अब समाप्ति हो चुकी है 38 और स्कोर बोर्ड पर लगे 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 रॉयल हॉक्स। बढ़िया पिछले ओवर में देखा गया था एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर मारने का प्रयास था जिसपे बहुत ही बढ़िया पुल लगाया था, चेस्ट हाइट गेंद थी, हालांकि गेंद में कोई भी कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छी गति के साथ तकड़ा बाउंसर फेंका था लेकिन उसपे पूरे पूरे रूप से तैयार थे अमित, बैकफुट पे जाके बहुत ही सुंदर उसे पुल किया था। और सबसे अच्छी चीज देखने को मिली शॉट में कि अराउंड द ग्राउंड मारने का हमेशा उनके प्रयास था और रिस्ट जो थी वो बेंट की हुई थी और बल्ले का फेस भी नीचे की तरफ था क्योंकि जानते हैं कि 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुकी है, तो बहुत ही बढ़िया शॉट मैं कहूंगा अमित के द्वारा खेला गया।
एक और बेहतरीन शॉट लेकिन शिफ्टर बिल्कुल उसके नीचे जरूरत नहीं थी शॉट की क्योंकि हल्की गति से ऊपर फेंका हुआ गेंद आदम का एक सेट शॉट जरूर था लेकिन फील्डर भी उसी शॉट के लिए सजाया हुआ था संदीप वडाला ने। अच्छा हुआ गेंद था शायद दूर से खेल बैठे थे आदिल बैट्समैन कौन गया अभी और अब बल्लेबाजी की कमाल संभाले गए हैं अर्पित थोड़ा सा यहां से सूझबूझ के साथ एक पार्टनरशिप बना लिए होंगे दोनों एक बातों को और 14-15 ओवर तक इस साझेदारी को लेकर जाना होगा क्योंकि फाइनल्स का मुकाबला है। यहां से अगर आप स्कोरबोर्ड पे 150-160 रन भी बना देते हैं तो जो प्रेशर होता है चेस का वो कहीं ना कहीं दिखता है ओपोनेंट पर। और एक और अच्छा गेंद ऊपर की तरफ फेंका हुआ हल्का सा टर्न हुआ था गेंद और बढ़िया विकेट कीपिंग स्किल्स वहां पर फ्लैश पैर मौजूद नहीं बड़े हो जाएगी क्रीज के अंदर और ये फर्स्ट स्लिप पे कैच दे दिया था एक तरह से कैच प्रैक्टिस करा दी थी वहां पर धर्मेंद्र को। जी हाँ दो कैच बहुत ही बढ़िया पकड़े थे धर्मेंद्र ने नितिन के ओवर में और इस बार लॉली कैच। जी हाँ बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कैच प्रैक्टिस फेस खोला था बल्ले का और फर्स्ट स्लिप की तरफ गेंद धकेल दी थी और जगल बगल भी करा था वहां पर धर्मेंद्र ने लेकिन उस कैच को और अगले गेंदबाज दीपक बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं तो काफी सारे आज बाएं हाथ के गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ संजीव वडाना नितिन दीपक और ओपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो मनीष भाटी अनिल लेफ्टी कासल काफी भरपूर आज बाएं हाथ के गेंदबाज और आदिल लेफ्टियों की भरमार है आज और एक संजीव वडाना ने अपनी झोली में भरा सारे अलग अलग वैरायटी के गेंदबाज हैं दीपक जो कि स्लो छोटी एयर फेंकते हैं और कुछ मारा था उसे लेकिन एक और बेहतरीन कैच जी हाँ अपने आप को फिर से दर्ज किया है बाहरी किनारा लेकर पर खेलना चाहते थे हमने जरूरत नहीं थी इन शॉर्ट स्लिप क्योंकि ऑलरेडी 4 विकेट आपके मिल चुके थे तो जरा से प्रयास अगर करेंगे तो शायद 100 रन बनना में मुश्किल यहां से जल्दी मैच शुरू तो दिख रहे बटोरे तो लेट पड़े हैं Thank you.
बैट्समैन कौन जा रहा है? बैट्समैन इंक्रीज नामुमकिन क्रिकेट में कुछ भी नहीं। यहां से भी अगर आप एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करते हैं 14-15 ओवर तक एक अच्छी पार्टनरशिप सजा करना चाहते थे, स्वैप करना चाहते थे उसे, लेकिन खुचा हुआ गेंद फ्लिपर जिसे कहते हैं आम बॉल दीपक का वो देखने को मिला था। बाउंस बहुत अच्छा है क्योंकि अगर ये बाउंस नहीं होता तो सीधा विकेटों में जाके गेंद लग जाता और टॉप ऑफ दी ऑफ स्टंप या टॉप ऑफ दी मिडिल स्टंप के से ये बॉल गया। बढ़िया बाउंस के साथ गेंद आता हुआ और थोड़ा सा भी बाउंस कम रहता तो शायद ये डंडे पे गेंद जाके लग जाता। बढ़िया गेंदबाजी बिल्कुल लाइन टू लाइन लेंथ टू लेंथ बॉल गेंदबाजी चल रही है अभी तक सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का बोल वाला अभी तक जितने भी विकेट मिले हैं सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ही मिले और बढ़िया कप्तानी मैं कहूंगा यहाँ पर। पहली सिंगल है दूसरी सिंगल अच्छी गति से अंदर की तरफ आया थोड़ा तेज तेज गति से फेंका हुआ ये गेंद जो काफी अच्छा मिक्स करते हैं जल्दी बढ़ाना दो व्हील फ्लोर थ्रू दी एयर फेंके थे इनवाइट किया था बैट्समैन को और इस बार तेज गति से गेंद पढ़कर अंदर की तरफ आया लेकिन अच्छे नाक में बल्लेबाजी करी वहां पर रवि ने अच्छे हाथ से उसे धकेल दिया मिड विकेट की तरफ और एक रन और और खराब शॉट में कहूंगा जरूरत नहीं है ऐसे शॉट्स की गंदे की गेंद को अगर आप स्वीप करेंगे तो और अच्छा लीव जी हाँ जैसे जैसे थोड़ा सा गेंद पुराना होता जाएगा तो घूमेगा भी नया बॉल जो होता है वो स्किड करता है पढ़कर तेज गति से निकलता है और जैसे जैसे गेंद पुराना होता जाएगा हल्का हल्का घूमना भी शुरू होगा विकेट पर भरपूर गेंदबाज ने गेंदबाजी की है अभी तक टीम एएसआर के लिए और अच्छी सफलताएं दिलाई होने तक और गेम में बनाए रखा है टीम एएसआर को। अरे अब दोबारा से डालेगी बॉल अब मिड विकेट की तरह उसे मारना चाहते थे मॉर्गन मेरे को भी पता था भी छोड़ेगा होकर के से खेला पॉइंट की बिल्डिंग में किया कुछ इस तरह से गेंदबाज बल्लेबाजी करनी होगी इस समय बल्लेबाजों को क्योंकि मौके मिलेंगे आपको 120 गेंदें खेलनी है यहाँ पर और कोई भी टोटल कम नहीं होता फाइनल मैच के मुकाबले में हर टोटल पे फाइट की जा सकती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज को आपको 120-30-40 रन स्कोर बोर्ड पे देने होंगे क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बाहर की तरफ गेंद गया अच्छा टर्न करा रहे हैं बहुत ही स्लो और थ्रोली एयर गेंद फेंक रहे हैं कोई भी जान लगा नहीं रहे गेंदबाज चाह रहे हैं कि बैट्समैन ही जो दम लगाए वो लगाए बिल्कुल हल्की गति से गेंद फेंक रहे हैं और एक और बाहरी किनारा आउटफील्ड इतना तेज एक बार अगर गेंद 30 मिनट का किनारा पार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कंटेस्ट मिलता है बल्ले का था या उसको बात से कितने ओवर हो लास्ट है
और ऊपर का गेंद मिड विकेट की तरफ स्लॉप करना चाहते थे उसे, और 10 ओवर की अब समाप्ति 49 स्कोरबोर्ड 49 6 विकेट के नुकसान पर टीम रॉयल हॉक्स।